दोस्तों नमस्कार, कमाल हो गया। पानेसर कंपनी ने अपना नया मॉडल G60S मॉडल लॉन्च कर दिया और आपको वो मिलने वाला है मात्र मात्र 2 लाख रुपए के अंदर। इसे आप जो है कैसे खरीद सकते हैं, नया मॉडल है मार्केट में, आज पहली बार लुधियाना किसान मेले के अंदर पानेसर कंपनी ने ये मॉडल अपना लॉन्च किया है। कैसे मिलेगा, कितना बड़ा इसके अंदर इंजन है, कितना क्या है, पूरी जानकारी आपको मैं दिलाऊंगा। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कैसे? सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय कराइए। सर मेरा नाम अंकित महाजन है जी, मैं पनीसर एग्रोटेक में पैन इंडिया सेल्स को लीड कर रहा हूँ जी। सर जैसे कि मैंने कहा कि 2 लाख में कंबाइंड किसान की हो जाएगी, तो क्या ये हो जाएगी? आपने बोल दिया सर, दे देंगे सर। पक्का? पक्का दे देंगे सर। प्रॉमिस कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। प्रॉमिस है सर। अब सर थोड़ी सी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे दो, कितना क्या काम करती है, इंजन कितना बड़ा है, पूरी जानकारी दो सर इसकी। जो बेसिकली जो G60S मॉडल है जी, जो हमने लुधियाना एग्जीबिशन सेंटर में हम खड़े हुए हैं जी, जो हमने ये मशीन लॉन्च की है जी, ये बेसिकली मिनी सेल्फ प्रोपेल मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है। अच्छा, इसमें अशोक लेलैंड का BS4 इंजन लगा हुआ है, 4 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है इसमें जी। ठीक है सर, जो आप देख रहे हो 10 फुट का कटर बार है जी। ठीक है, पाउडर कोटिंग रील सिस्टम है सर इसमें जी। वो जो रीपर के ब्लेड्स हैं, जो हाई क्वालिटी जर्मन टेक्नोलॉजी के, ये हमने ब्लेड्स लगाए हुए हैं सर। बिल्कुल, हाँ जी सर। बात करते हैं सर इसके जो है गियर के बारे में। हाँ जी, तो कितने गियर हैं, कैसे कैसे चलती है सर? 3+1 गियर है, 3 फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स है सर। अच्छा, इंजन की क्वालिटी की बात करते हैं, अशोक लेलैंड का इंजन लगा हुआ है, ब्रांडेड है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, अशोक लेलैंड ब्रांडेड कंपनी है सर, ब्रांडेड इंजन लगाया हुआ है। 74 HP का BS4 इंजन लगा हुआ है जिसमें जूरिया नहीं डलता सर। ये बड़ी बेहतरीन आपने जो है छतरी लगा रखी है ये बेसिकली सर। इसको फाइबर शीट कहते हैं, इसमें कोई हीट पास नहीं होती, कोई आपको कोल्ड ठंड वाली ठंडी हवा पास नहीं होगी। अपने बिजली की जैसे आप देखते हो तारे होती है, हाई वोल्टेज तारे होती है, इसमें कोई करंट का खतरा भी नहीं होगा। किसान भाइयों आपको मैं एक बात और बता दूं, 10वीं पास या 10वीं करा हुआ किसान भी कम पढ़ा लिखा है और वो नौकरी नहीं करना चाहता तो अपना बिजनेस करके पैसा कमा सकता है। इससे कैसे कमा सकता है वो भी जानकारी सर से मैं लूंगा। सर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देखते हो थ्रेशर, बिल्कुल थ्रेशर में कितनी लेबर्स लगती है, बिल्कुल 30 से 40 बंदे लग जाते हैं थ्रेशर में करने। आजकल लेबर की कितनी शॉर्टेज चल रही है, बिल्कुल कि आप कैलकुलेट करोगे थ्रेशर का पर एकड़ 3000 का खर्चा आता है, मटर ये मशीन में पर एकड़ खर्चा 600 रुपये आता है, 600 रुपीज़ आता है, और बाकी आपका उसमें EMI भी निकल जाता है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल जाती है। बिल्कुल, और ये मल्टी क्रॉप है, इसमें हर तरह की क्रॉप कटी जाती है, सिर्फ एक मेज के लिए जो कटर बार है आगे वाला उसको चेंज करना पड़ता है। बात कर लेते हैं सर इसके टायरों के बारे के अंदर। इसमें सर 16 के टायर डाले हुए हैं जी। वो बेसिकली जो बंदा इसको ट्रैक्टर को चलाता है ना, वो ये मशीन भी आराम से चला सकता है, आपको ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। किसान ले लेता है तो क्या ट्रेंड करेगी या अपना बंदा भेजेगी, कैसे करती है कंपनी? सर कंपनी एक तो ट्रेंड भी करती है, जब मशीन फार्मर के पास जाती है, हमारी टेक्निकल टीम और सर्विस टीम उनको एक बारी जाके पूरी मशीन की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर सारा बताया जाता है, कैसे चलानी है, जिनको बिल्कुल चलानी नहीं आती, कि आपको ड्राइवर भी चाहिए होगा, आपको ड्राइवर भी हम प्रोवाइड कर देंगे सर। अब बात करते हैं सर फसलों के बारे में। हाँ जी सर, कटाई के ऊपर बात आती है मेन। हाँ जी, ब्लेड की क्वालिटी आपने बता दी जबरदस्त है। हाँ जी, लेकिन क्या जैसे कि मेरी कुछ फसलें ढह जाती हैं, गिर जाती हैं, हाँ, तो क्या उनमें भी ये सक्सेस है? हाँ जी सर, इसकी ना जो आप देख सकते हो साइड में, मैं आपको बताऊंगा, इसकी ना एडजस्टेबल है जी, आप नीचे से ऊपर इसकी बास्केट एडजस्ट कर सकते हो, उसमें जो नीचे जो फसलें गिरी है वो भी पूरी आपको दाना देगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे गेहूं का सीजन आने वाला है। हाँ जी सर, किसान भाई बिजनेस के पर्पज से खरीदते हैं। हाँ जी सर, तो बिजनेस के पर्पज से कितना बिजनेस इससे कर सकते हैं 8 घंटे के अंदर सर? सर ये मशीन थी आप लगातार भी चलाओ, इस मशीन में कोई वेयर एंड टेयर की, बेसिकली ये मशीन की वेयर एंड टेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फुली टेम्पर्ड हमने मटेरियल यूज किया हुआ, जो आप देख रहे हो ये आगे वाला, ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का यूज किया हुआ। अच्छा, क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सर, ऐसे की क्वालिटी मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से, इंडिया में कोई नहीं बनाता सर। रात को कटिंग करने के मामले में कैसी मशीन सर? प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम दिया हुआ, रात को भी ऐसे लगेगा जैसे सूरज चमक रहा सर। अच्छा, बात करते हैं कंबाइंड की बेल्टों के बारे में। सर ये पॉली आर की बेल्ट लगी हुई है। हाँ, ये बेल्ट की क्या कामयाबी है,
बेसिकली जो स्लिप नहीं होती, बिल्कुल गर्मियों के टाइम में जैसे कुछ कहते हैं बेल्ट पिघल जाती है जी, ठीक है, इसमें वोव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेल्ट प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है जी। हाँ जी सर। अच्छा अब बात करते हैं सर, ये जो है डीजल की खपत क्या लेती है सर? जो पर एकड़ मैं बताऊँ 5 से 6 लीटर एवरेज बता रहा हूँ जो डीजल कंजप्शन है, बाकी सर पायलट के ऊपर है कैसे चलाइए सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अनाज को स्टोर करने का इसके अंदर कितना हुआ है सर? ये हमारा 1500 केजी तक की, 1500 से लेके 2000 केजी तक की इसकी कैपेसिटी है जी। बाकी कौन सा अनाज है उसी हिसाब से वो कैपेसिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ये मैंने आपको एवरेज बता दिया जी। डायरेक्टली हम ट्रॉली के अंदर इसे जो है भर सकते हैं? हाँ जी सर, भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, पूरा प्रिपरेशन है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसको हम ओगर पाइप कहते हैं। अच्छा, ये जैसे आपके जरिए हमें एक किसान भाई ने कहा था, जैसे हम रास्ते में लेके जाते हैं तो ये ओगर पाइप फोल्ड नहीं होती थी पहले, हमने ये मशीन में पूरी चेंजेस कर दी है, जो ओगर पाइप फोल्ड भी हो सकती है जी। हो जे आज जैसे सद ने बताया G60S मॉडल है, स्लो वोकल टेक्नोलॉजी के मॉडल है जी। आपको ये मॉडल G60 हमारा जो एक मॉडल है वो पेटेंट मॉडल है, उसमें टैफ टेक्नोलॉजी डबल थ्रेशर मॉडल है। जो किसान भाई बहन को टैफ टेक्नोलॉजी डबल थ्रेशर मॉडल चाहिए वो भी मशीन अवेलेबल है, तो आपको स्लो वोकल टेक्नोलॉजी में मशीन चाहिए वो भी अवेलेबल है। हो सभी अपन का पेटेंट डिजाइन है, पेटेंट मॉडल है, कोई कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं है सर। बिल्कुल। आगे हम जो सर दूसरा आपका मॉडल देख पा रहे हैं, इस मॉडल के बारे में और मेरे किसान भाइयों को दिए, इससे क्या अलग है ये जो है सर? ये बेसिकली SC95000 मॉडल है हमारा। अच्छा, ये कहाँ पर ज्यादा प्रयोग की जाती है सर? नॉर्थ रीजन में ज्यादा चलती है, जिनके पास बड़ी खेती है, जे बेसिकली नॉर्थ रीजन पंजाब हरियाणा राजस्थान अपना JNK हो गया, ठीक है सर, थोड़ा सी यूपी की बेल्ट जो बड़ी बड़ी खेती है ये मशीन वहाँ चलती है। जो 14 फुट का कटर वार है सर इसका, ठीक है, 51 इंच की इसकी चेसी है सर। बाकी जो आप बड़ी मशीन के सभी पार्ट हमने छोटी में लगाए हुए हैं, पूरा टेम्पर्ड मटेरियल है, ठीक है, और जे बेसिकली वेयर एंड टेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट मैं बोलूँ तो 0 के मुकाबले है। और इसमें अशोक लेलैंड का 133 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, BS4 इसमें जुड़िया डलता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी इंजन की क्या क्वालिटी बताई सर आपने? अशोक लेलैंड का इंजन है, 133 हॉर्स पावर का 6 सिलेंडर इंजन है। अच्छा, इसका कटर बार कितना बताया सर? ये कटर बार आपको 14 फीट में भी मिल जाएगा, 12 फीट में भी मिल जाएगा, 16 फीट में भी मिल जाएगा सर। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके जो है सर लाइटिंग सिस्टम जो है इसका, ये देख रहे हैं हम जो सामने, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम है सर। लाइटिंग सिस्टम आप हमारी कोई कौन सी भी हार्वेस्टर ले लो, आपको रात में ये नहीं लगेगा आपको लाइट कम है, बिल्कुल ऐसा लगेगा हम दिन में काम कर रहे हैं सर। अब किसानों की बात आती है जेब के ऊपर। हाँ जी सर, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में बता दिया किसानों को मात्र 2 लाख में ये आपको जो है कंबाइंड मिलने वाली है। हाँ जी सर। तो कैसे मिलेगी, क्योंकि किसान भाई शुरुआत में 2 लाख रुपए देकर कैसे ले सकता है सर? ऐसा है, हमारा पूरा नेशनलाइज बैंक सभी प्रकार के बैंक के साथ टाई अप है जी। जेफ मशीन में फाइनेंस 90% तक फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। 90%? हाँ जी। वीडियो के अंदर सर 90% कर रहे हो आप जो है। हाँ जी। बेसिकली उसमें क्या है, आपको बैंक सिबिल देखता है, आप सिबिल स्कोर क्या है हमारे बैंक का, पीछे देखता है आपके पास जमीन कितना है, ठीक है, अच्छा जमीन है, अच्छा सिबिल स्कोर है, तो 90% तक ये फाइनेंस हो जाता है। और जो डाउन पेमेंट निकल के आती है वो 2 लाख के करीब निकल के आती है। 2 लाख रुपए दे के हम जो है इसे आसानी के साथ ले सकते हैं, बाद में हमारी किस्तें बन जाएंगी, फाइनेंस हो जाएगा। जो गवर्नमेंट बैंक है, जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट बैंक का वो 6% है, और सरकारी जो प्राइवेट बैंक का उसका 7 से 8% है, फ्लैट है सर। बात करते हैं सब्सिडी के ऊपर सर। हाँ जी। सब्सिडी कितनी मिल जाएगी किसान भाई? स्मैम स्कीम चल रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्मैम स्कीम चलती है, जहाँ जहाँ स्टेट्स में इस स्कीम के अंदर फंड्स है, 8 लाख इस मशीन के ऊपर सब्सिडी है। जो मिनी मशीन जो आपने हमने पहले दिखाई थी, सपोज करो वो मशीन थी, हम सारा सब्सिडी काटे, वो मशीन करीबन 10 लाख से 12 लाख की मशीनें रह जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। अब सर जैसे क्या किसान भाई इसे पसंद कर रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो कंपनी जो है इसकी सर्विस के बारे में क्या करती है और गारंटी वारंटी क्या है सर? सर इसकी जो गारंटी वारंटी है, 1 सीजन की फुली गारंटी है। बिल्कुल। रही बात सर्विस की, जैसे सीजन चलता है, कौन सी स्टेट में चलता है, हमारे पास उससे 10 से 15 बंदे होते हैं, वो डिस्पोज करो कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, वो विद इन 24 आवर्स आपको वादा मेरा बंदा पहुंच जाता है। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात, इसके मार्केट में इजिली पार्ट अवेलेबल है। हाँ, सपोज करो आपको मार्केट में 0% कह रहा थी, ना भी मिला, आपने मेरे को फोन करना,
कोरियर रही, ट्रेन के रही, ट्रांसपोर्ट सर्विस के रही, आपको एक दिन में मटेरियल पहुंच जाएगा सर। अच्छा सर, हमारे लिए आप जो है, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई जो लेता है, किसान भाई हमारे माध्यम से आता है, तो उसे क्या छूट करने वाले उसको हो हमारे? आपके करके 50,000 डिस्काउंट देंगे जो भी रेट हो। 50,000 रुपये का डिस्काउंट किसान भाइयों, आप चैनल का स्क्रीनशॉट भेजिए, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं और पानेसर कंबाइंड मशीन के बारे लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो 50,000 रुपए की एकदम छूट आपको। आपका नेम ले, आपका चैनल का नेम ले, उसको 50,000 मेरी तरफ से डिस्काउंट होगा जो आपके चैनल के रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपने जो है पानेसर कंबाइंड मशीन देखी, दो मॉडल मैंने आपको दिखाए, G60S और जो पानेसर SC9500 मैंने आपको दो मॉडल दिखाए, बहुत ही शानदार मॉडल हैं। जो किसान भाई बिजनेस के पर्पज से कंबाइंड मशीन लेना चाहते हैं तो इस मशीन को ले सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।